कोरोना और लॉकडाउन ने हर वर्ग के लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। सामान्य दिनों में ओला और उबर टैक्सी वालों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या अन्य जगहों के लिए बुकिंग मिल जाया करती थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर और एक महीने से लॉकडाउन ने इनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब कर रखी है। धीरे धीरे टैक्सी संचालकों और ड्राइवरों के कारोबार पर ग्रहण लग गया है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि टैक्सी संचालकों का परिवार पालना भी मुश्किल हो रहा है। कई टैक्सी ड्राइवर के सामने तो दो वक्त की रोटी का संकट भी आ गया है। अभी तो भैया घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कैब को कम से कम सरकार को बंद नहीं करना चाहिए था। जिनको भी स्टेशन या एयरपोर्ट आने जाने के लिए या हॉस्पिटल आने जाने के लिए कैब की जरूरत पड़ती है, मेरे कई सारे प्राइवेट में कस्टमर हैं जिनसे अच्छा रिलेशन है, वो कॉल करके मुझको बोल रहे थे हॉस्पिटल जाना है या एयरपोर्ट जाना, तो मैं उनको ले करके नहीं जा पाया। तो फिजूल में तो कोई निकलेगा नहीं, वैसे भी मार्केट मॉल हर चीज़ें बंद है, तो जब कोई किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए निकल रहा है, उनके घर में निकलने के लिए सुविधा भी नहीं है, तो कम से कम कैब को चालू रखना था। भले दो पैसेंजर से ज़्यादा अलाउ नहीं करते तो भी बात समझ में आती है, लेकिन कैब को पूरी तरह से बंद कर देना तो सही नहीं है। राजधानी रायपुर से बुकिंग में चलने वाली इन गाड़ियों की बात की जाए तो शहर में लगभग 500 ओला उबर टैक्सी मौजूद हैं। सामान्य दिनों में एक टैक्सी ड्राइवर की महीने में 25,000 से 30,000 रुपए की आमदनी होती थी। कई टैक्सियां बैंक से फाइनेंस कराई गई है जिसका किश्त पटाना भी मुश्किल होते जा रहा है। कई गाड़ियों का पिछले कई महीनों से किश्त नहीं पटा है। अब जो गाड़ी फाइनेंस करवाए भी वो तो फाइनेंस की किस्त ही नहीं पटा सकेंगे क्योंकि वो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को तो और ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन लोग अब अपनी गाड़ी बेचने तक की नौबत आ गई, जिनके लिए लॉकडाउन में ना कोई काम है ना धंधा है, कुछ ना सवारी घर से बाहर नहीं निकल रही है, किस्त है गाड़ियों को किस्त नहीं पड़ रही है, घर के बहुत दिक्कत आ रही है परेशानी। रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन में कैब को भी पूरी तरह से बंद रखा गया है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसका असर भी इन गाड़ियों पर देखने को मिल रहा है। टैक्सी किराए पर नहीं जाने की वजह से टैक्सी ड्राइवर की हालात और परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। क्या करेंगे समझ ही नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो अभी तक के कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझ के ही बाहर हो गया है, क्या करें, प्रशासन ही फैसला लेगा। इनोवा स्विफ्ट डिजायर, स्कॉर्पियो, विस्टा, वैगनार, सुमो और अर्टिका जैसी सामान्य से लेकर लग्जरी गाड़ियां राजधानी की सड़कों पर फर्राटे भरती थी, लेकिन लॉकडाउन ने सभी गाड़ियों को टैक्सी स्टैंडों में खड़ी कर दी है। इन टैक्सी ड्राइवरों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि अब धीरे धीरे परिवार चलाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान व्यापार में काफी क्षति हुई है और इसमें सभी व्यापारी में तो सभी को नुकसान हुआ है, और जहाँ तक के टैक्सी ड्राइवरों की हम सोचे तो इनके जब बहुत सारे जगहों से इन्होंने बैंक फाइनेंस भी लिए हैं, उसके माध्यम से उनको ईएमआई पटाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में ड्राइवर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नहीं, अभी तक के किसी फाइनेंसर द्वारा उनकी गाड़ियों को जब्त करने की सूचना हमारे पास में प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी अगर प्राप्त सूचनाएं मिलती है तो हम उसमें जरूर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर परिवहन पर पड़ा है। कैब ड्राइवरों के द्वारा निजी फाइनेंसर या बैंकों से लिए गए लोन से किस्त नहीं पटा पाने के कारण अब तक किसी भी बैंक या निजी फाइनेंसर के द्वारा वाहनों को जब्त करने की सूचना तो ट्रैफिक विभाग को नहीं मिली है। लेकिन अगर हालात यही रहे तो बैंकों के पास क्या विकल्प बच जाएंगे, आप सोच सकते हैं। रितेश तंबोली, ईटीवी भारत, रायपुर।